टर ठीक है अ क्वारोर हैज फोर साइड्स फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस देखिए एक क्वारल की हमारे पास क्या होती है फोर साइड्स होती है ठीक है फोर ही वर्टिसेस होती है और फोर ही एंगल्स होते हैं जैसे की ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है ठीक है तो एक तो साइड हो गई हमारे पास ए बी ठीक है देन बी सी देन सी डी एंड डी ए ठीक है ये तो फोर साइड्स हो गई फोर वर्टिसेस ए बी सी डी ठीक है एंड फोर एंगल्स ए बी सी डी ठीक है इन क्वारेटरल ए बी सी डी एक क्वारिनेटर अगर हमारे पास है एबीसीडी ठीक है ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी डी ए आर फोर साइड्स ठीक है ए बी सी एंड डी आर फोर वर्टिसेस ए बी सी डी क्या है फोर वर्टिसेस है ठीक है एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी आर द द फोर एंगल्स बाय वर्टिसेस ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम नाउ ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस ए टू सी देखिए ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए और बी को डी से ज्वाइन कर दीजिए तो ए सी और डी बी क्या है हमारे दो Diagnols है ठीक है ए सी एंड बी डी आर द टू डायगनल्स ऑफ द कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी ठीक है तो होपफुली क्वारेटरल क्या होता है ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी एक फोर साइडेड क्लोज फिगर है कोई भी फोर साइडेड क्लोज फिगर क्वारिलेटर के रहता है उसकी फोर साइड होती है फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टेसिस होती है अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वारिलेटर तो कुछ कॉर्डिलेटर्स हम देख लेते हैं जैसे पहले quadrilateral है हमारे पास ट्रिपेजियम ठीक है फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर रॉम्बस काइट ये सब हमने पहले से पढ़ रखे हैं फर्स्ट जो हमारे पास फिगर आ रहा है वो कौन सा फिगर है ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ट्रेपेजिय। हम सब ने देख रखा है चलिए इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी ठीक है तो ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजिय। अब ट्रेपेजियम की क्या डेफिनेशन होती है ट्रेपेजियम के अंदर ओनली वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है अभी फोर साइड्स तो इसके अंदर भी है क्लोज फिगर भी है तो ये कॉर्डिलेटर तो है ही बट कॉर्डिलेटरली ट्रेपेजियम है इसके अंदर भी फोर साइड्स है ए बी सी डी और ये बी सी एंड डी ए ठीक है और फोर एंगल्स हैं तो ये एक क्वारिलेटर है बट इस क्वारिलेटर की खास बात ये होती है कि इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड पैरल होता है जैसे कि ए बी जो है डेट इज पैरल टू सी डी या डी सी ठीक है ये साइड इस साइड के पैरल है ठीक है बट ए डी जो है वो बीसी के पैरल नहीं क्योंकि अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे यहाँ पे जाके मिल जाएगी ठीक है ये ट्रेपेजियम की खास बात होती है ठीक है नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पैरलेलोग्राम देखिए पैरल जैसे कि इसका नाम ही बोल रहा है पैरल पार्लेल। तो पैरलेलोग्राम ए बी सी डी है हमारे सामने पेरेलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल ठीक है ये जो अपोजिट साइड है ना ए बी ये किसके पैरल होती है डी सी के ए बी is parallel to DC and AD is parallel to BC ठीक है और AB जो होती है वो equal भी होती है DC के and AD is also equal to BC ठीक है और अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं यह भी हम सब ने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम के अंदर और जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो एक दूसरे को बाइसेकट करते हैं बाइसेकट करने का क्या मतलब होता है भाई टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ओ सी के एंड OD जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ बी के ठीक है डायगनल्स इक्वल नहीं होते ए सी डी बी के बराबर नहीं होता है साफ दिख रहा है हमें ये जो डायग्नल है ए सी ये लंबा है इन कंपेरिजन टू बी डी बट ये एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सपोज करो ये हमारे पास कंप्लीट सिक्स का था ए सी ठीक है ए सी अगर सिक्स का है तो ये ओ ए हो जाएगा थ्री का ये भी हो जाएगा थ्री का और अगर हमारा बी डी जो है वो फोर का है तो ये हो जाएगा टू का ओडी और ओ बी बी टू का ठीक है बाइसे कर रहे हैं चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है अब रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल ठीक है ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा डी सी के है ना और ए डी जो है वो किसके इक्वल है बी सी के ठीक है तो ये इक्वल हैं अपोजिट साइड्स और रेक्टेंगल के अंदर ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ठीक है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एंगल डी 90 एंगल ए जो होता है वो किसके बराबर होता है एंगल बी के जो कि बराबर होता है एंगल सी के जो कि बराबर होता है एंगल डी के और ये चारों बराबर होते हैं 90 डिग्री के ठीक है अच्छा अब रेक्टेंगल के अंदर भी डाइगनल्स होते हैं डायग्नल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होते हैं ए बी ए सी इक्वल्स टू बी डी ठीक है डायग्नल्स आर इक्वल रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम ग्राम में इक्वल नहीं थे एक लंबा था एक छोटा था इसके अंदर इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं ठीक है ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी देखिए बी डी ए सी के बराबर है ठीक है तो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ठीक है जो तो सारे बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे जैसे सपोज करो कि बी डी हमारे सिक्स है तो ये कितना हो गया थ्री थ्री हो गया ए सी भी सिक्स ही होएगी तो ये भी थ्री थ्री हो गया इट मींस ये ओ डी इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ओ सी विच इज इक्वल्स टू ओ ए एक दूसरे के क्या हो गए बिल्कुल बराबर हो गए ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं अपन नेक्स्ट शेप आ रहा है हमारे पास स्क्वायर तो देखिए स्क्वायर की खास बात क्या होती है फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल सभी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है जैसे कि अगर ये ए यूनिट है तो ये सारी की सारी ए ए यूनिट्स हो जाती हैं ठीक है थीके? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं नाइन्टी डिग्री के नाइनटी नाइनटी नाइन्टी नाइनटी है ना अच्छा डाइगल्स भी होते हैं इनके बी डी एंड ए सी तो बी डी जो होती है डायगनल वो किसके इक्वल होती है ए सी के सपोज करो ओ पे कर रहे हैं ये और ये सारे ये भी आपस में इक्वल होते हैं ठीक है न बाइसेक करते हैं अब स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है मतलब ये सेंटर में राइट एंगल बनाते हैं ध्यान रखना ये चीज़ ठीक है स्क्वायर के डायगनल्स कैसे होते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ठीक है नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रोम्बस रोम्बस भी देखिए स्क्वायर जैसा ही होता है बट स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के अंदर हर एंगल नाइन्टी डिग्री का होता है बट इसके अंदर नाइन्टी नहीं होता थोड़ा तो सा टेढ़ा होता है ये स्क्वायर से बट ऑल साइड्स आर इक्वल ए ए, ए, ए और इसके डाइगनल्स भी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होते हैं जैसे कि स्क्वायर के होते हैं नेक्स्ट शेप आ रहा है हमारे पास काइट काइट हम सबने देखी है अब काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है एडजेसेंट कौन सी होगी पड़ोसी वाली ए बी किसके इक्वल होगी ए डी के एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी ठीक है ध्यान रखना इसके अंदर एडजसेंट साइड्स इक्वल होती है किसके अंदर इट के अंदर चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं अपन कुछ हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में अपन समझ लेते हैं जैसे ये क्या कह रहा है अ स्क्वायर एक स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम देखिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस ये सारे पैरेललोग्राम होते हैं कैसे होते हैं स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई ऑल साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल रोमबस के अंदर भी ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है और पैरले क्या होता है फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हम क्या देख रहे हैं चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे रोमबस हो इन तीनों के अंदर भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती है तो ये क्या हो गए एक तरह से पैरलोग्राम नेक्स्ट क्या है अ अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोमबस एक स्क्वायर क्या है एक रेक्टेंगल है और एक रोमबस भी अच्छा स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ठीक है तो अगर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है अगर अपन एक ऐसा रेक्टेंगल लें जिसके अंदर सारी साइड्स ए ए ए है तो अपन क्या कहेंगे भाई अपोजिट साइड्स तो अभी भी इक्वल है ना और रोमबस के अंदर भी क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर के अंदर भी ऑल साइड्स आर इक्वल अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम देखिए पैरलोग्राम एक ट्रेपेजियम कैसे है ट्रेपेजियम का फिगर भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम के अंदर होता है वन पेयर ऑफ साइड इज पैरल तो भाई पैरलोग्राम के अंदर भी तो एक साइड पैरल होती है ठीक है तो एक स्पेशल केस है पैरलोग्राम इज अ ट्रेपेजियम अ काइट इज नॉट अ पैरलोग्राम काइट पैरलोग्राम नहीं होती काइट का भी फिगर देख लीजिए काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स आर

ठीक है तो पैरेलोग्राम होने के लिए हमें दोनों साइड क्या चाहिए पैरेलल और ट्रेपेजियम में वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल सो तो अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेलोग्राम अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर देखिए एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते बट एक स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है कैसे रेक्टेंगल के अंदर हमें चाहिए होता है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है ठीक है ऐसे रेक्टेंगल है सपोज करो ये एल है ये भी एल एंड दिस वन इज बी दिस वन इज बी ठीक है और रोमबस ये सारी ए ए अब ये एक स्क्वायर नहीं है स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए और ये एंगल 90 का होना चाहिए इसमें ऑल साइड्स तो इक्वल होती है पर एंगल कहाँ होता है ना एंटी का नहीं होता ना भाई अगर लेंथ भी ब्रेथ के बराबर है तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी ठीक है देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स स्क्वायर के अंदर सभी एक स्क्वायर नहीं होता है चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिलेटर हमारे पास एक क्वारेटर है डी उसे कितने एंगल्स होते हैं फोर एंगल्स होते हैं और इन फोर एंगल्स का सम इंटीरियर कितना होगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉर्डिलेट्रल इज is 360 degree. डिग्री angle एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज degree. डिग्री चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि 360 कैसे होता है तो हमने क्या किया ए को सी से ज्वाइन कर दिया एक है, हमारे पास ए बी सी डी हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेंगल आ रहे हैं तो इन ट्रेंगल ए डी सी ए डी सी के अंदर सपोज करो दिस एंगल इज ऑफ वन इसको एंगल वन मानते हैं और इसको अपन एंगल टू मानते हैं ठीक है और चलिए इसको एंगल फाइव मान लेते हैं दिस वन इज फाइव एंड दिस वन इज सिक्स थ्री और फोर मानते हैं पहले इस एंगल को अपन थ्री मान लेते हैं और इस एंगल को अपन फोर मान लेते हैं ठीक है अब हमारा ट्रायंगल जो है ए डी सी उसके अंदर एंगल वन प्लस एंगल डी प्लस एंगल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इनका सम कितना होगा 180 डिग्री तो इसको इक्वेशन वन लिख लेते अपन नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल थ्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल फोर कितना होना चाहिए वन हंड्रेड एट्टी डिग्री अगेन सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एडिंग इक्वेशन वन एंड टू तो एंगल वन प्लस एंगल डी प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल फोर इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री प्लस वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है अब देखिए रीअरेंज करते हैं एंगल वन के पास एंगल थ्री लिखते हैं तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अच्छा एंगल वन प्लस एंगल थ्री एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा एंड एंगल सी थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री रीअरेंज कर लीजिए इसको तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री यही तो अपने को प्रूव करना था कि इन चारों का सम कितना होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री ट्रा के अंदर वन हंड्रेड एटी और क्वाड्रिलेटरल के अंदर थ्री हंड्रेड सिक्सटी चाहे कैसा भी क्वारिलेटर हो चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो चाहे काइट हो सबका एंगल का सम कितना होगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री चलिए फिर आगे चलते हैं हमारे

ए बी इज ऑल्सोर टू डी सी एंड ए डी इज पैरल टू बी सी ठीक है चलिए फिर थुरम देखते हैं हम तो देखिए थुरम 8.1 क्या कह रही है हमें अ डायग्नल ऑफ अ पैरलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेन ट्राइंगल एक पैलेलोग्राम ए बी सी डी हमें गिवन है ठीक है और डायगनल है उसका ए सी तो ए सी क्या कर रहा है हमारे पैलेलोग्राम ए बी सी डी को टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो टू प्रूव में क्या हम आ जाएगा हमारे पास A, D, टू प्रूव ट्रैंगल ए डी सी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी चलिए फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर सबसे पहले तो भाई अगर ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे तो ये देखिए ये जो एंगल हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके एंगल के ये जेड बन रहा है ना यहाँ पे हमारे पास ये कैसा एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इसका रीजन क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है ये एंगल हो गया हमारे पास सिमिलरली एसी जो है वो ए सी के इक्वल हो गई हमारे पास क्या है ये साइड दोनों के बीच में कॉमन है तो इसका रीजन अपन लिख देंगे कॉमन ठीक है और जो हमारी ए बी है ठीक है वो किसके इक्वल है डी सी के तो डी सी इक्वल्स टू ए बी की भी साइड होगी क्यों भी इक्वल है बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ठीक है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना चलिए लॉ कौन सा लग रहा है ये कौन सा लॉ हो गया एस ए

अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं पैरलोग्राम के अंदर तो देखिए टू प्रूव में क्या आ जाएगा टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी या डी सी ठीक है एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी ठीक है गिवन क्या है हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ठीक है प्रूफ देख लीजिए इसका प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे डी को भी बी से ज्वाइन कर देंगे तो देखिए ये सपोज करो यहां पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वरेंट प्रूफ कर देंगे ठीक है ग्रेंट प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी से हम क्या कह देंगे कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रैंगल ए ओ बी क्या क्या इक्वल है सबसे पहले तो देखिए इसको हटा देते हैं यहां से ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है ठीक है ये ओ पॉइंट था ना हमारा तो एंगल डी ओ सी डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी ए बी रीजन क्या इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है अच्छा ये एंगल एंगल डी सी ओ ठीक है एंगल डी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए बी के एंगल ओ ए बी के कारण क्या है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है ये जो ए बी है ना ये पैरेलल है हमारे डी सी के क्यों क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ठीक है और पैरेलल है तो उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे ठीक है अच्छा और क्या इक्वल है दोनों के अंदर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये देखिए ये जो ओ है ना ओ वो ए के इक्वल होगा ओ सी इक्वल्स टू ओ गई हमारी साइड अच्छा ओ सी ओ ए के इक्वल क्यों है क्योंकि ए बी सी डी क्या है ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम और पैरलोग्राम के अंदर क्या होता है इन पैरलोग्राम डाइग्नल क्या करते हैं bisect each अदर diagonals bisect each अदर ठीक है अच्छा अब लॉ कौन सा लग रहा है कांग्रेंसी का ये हो गया हमारा ए ठीक है ये हो गया एस और ये भी ए तो ए एस ए लॉ ऑफ कांग्रेंसी बाय ए एस ए लॉ ऑफ कॉन्ग्रेंसी वॉट वी कैन से डैट ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल ए ओ बी है ना और सीपीसी डी सी इक्वल्स टू ए बी ठीक है सिमिलरली सिमिलरली वी कैन प्रूव अगर हम ये दो ट्रैंगल ले लेते दिस ट्रैंगल ये वाला और ये वाला इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं जैसे कि अपन इसको किया है तो सीपीसीटी से अपन क्या कह सकते हैं कि बीसी जो है वो एडी के इक्वल है सिमिलरली बीसी इक्वल्स टू ए डी एंस प्रूफ ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं अपन थ्योरम 8.3 क्या कह रही है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉर्डिलेटर इज इक्वल अब इसमें हमें गिवन है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल गिवन है ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी है ना देन इट इज अ पैरेललोग्राम भाई ए बी सी डी के इक्वल गिवन है बी सी ADK इक्वल गिवन है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है दिस सी ये इसके इक्वल है ये किस टाइप के एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो हमें गिवन ही है साइड्स बस पैरेलल प्रूव करना है हमें चलिए तो प्रूव कर देते हैं तो प्रूव देख लीजिए इसका हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रैंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे और सी पी से कह देंगे दिस एंगल इज़ दिस एंगल चलिए फिर ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर सबसे पहले तो ए सी जो है वो ए सी के इक्वल है साइड हो गई और इसका रीजन क्या है कॉमन बिटवीन बोथ दोनों के बीच में कॉमन है ठीक है और डी जो है डी वो किसके इक्वल गिवन है ए बी के डी सी इक्वल्स टू ए बी ये भी साइड हो गई इसका रीजन क्या है ये भी हमें गिवन है है ना और ए डी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी सी दिस वन इज ऑल्सो साइड एंड रीजन इज गिवन नाउ विच लॉ ऑफ कॉन्ग्रेंस इज अप्लाइड एस 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 तो बाय एस 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 लॉ We can say that triangle ADC is congruent to triangle ABC. Now, from CPCT, what we can say that angle DCA equals to angle CAB. Now, डीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो कन्वर्ट्सनेट इंटीरियर एंगल क्या कहती है डेट डी सी इज पैरल टू ए बी ठीक है डी सी इज पैरल टू ए बी ठीक है सिमिलरली अगर अपन क्या करते हैं ए डांगल को बी से डी से ज्वाइन कर देते तो अपन क्या प्रूव कर सकते थे कि ए बी सी जो है वो किसके पैरल है ए डी के ठीक है सिमिलरली सिमिलरली सी इज पैरल टू ए डी सो ए बी सी डी इज अ पैरलेलोग्राम ठीक है आगे बात समझ में चलिए फिर नेक्स्ट तरह पे चलते हम नेक्स्ट तरन क्या कह रही है इन अ पैरलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मीन्स एंगल जो डी है वो एंगल बी के बराबर है और एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारे पास टू प्रूव एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम गिवन ए बी सी डी इज अ तो देखिए तो हम लेते हैं हमारा इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं और सीपी सी टी से हम कह सकते हैं कि एंगल जो डी है वो बी के बराबर है क्या इक्वल है एक तो ए सी है वो इक्वल टू ए सी है इसका रीजन क्या हो गया कॉमन है दोनों के बीच में और ये साइड हो गई हमारी ठीक है और क्या इक्वल है भाई पैरेललोग्राम गिवन है इट मीन्स डी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के डी सी इक्वल्स टू ए बी ये भी हमारी साइड हो गई और इसका रीजन क्या है ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम ठीक है अच्छा और क्या इक्वल होगा दोनों के अंदर ये ए डी किसके इक्वल हो जाएगी बी सी के ए डी इक्वल्स टू बी सी ये भी साइड हो गई और इसका रीजन सेम है ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम अब बाय एस 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 लॉ ऑफ कॉन्ग्रेंसी वी कैन से डैट ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रेन टू ये ए बी सी और ना वो किसके बराबर है एंगल बी के सिमिलरली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी भी हम डायग्नल को ऐसे ज्वाइन कर देते ना

एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी ये जो एंगल ए है ना वो एंगल सी के बराबर है एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है ठीक है तो टू प्रूव में क्या है हमारे पास टू तो प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और वो कैसे प्रूव होगा अगर अपन प्रूव कर दें कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है 180 डिग्री है उससे क्या होएगा अपन कह सकते हैं कि जो ए डी है वो बी सी की क्या है बिल्कुल पैरेलल है ठीक है चलिए फिर अपन प्रूफ कर देते इसका प्रूफ देख लीजिए हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है 360 डिग्री है डिग्री ठीक है तो एंगल ए तो अपन एंगल ए ही रहने देते हैं, एंगल बी को भी एंगल बी ही रहने देते हैं एंगल सी किसके बराबर है हमारे पास एंगल ए के सी की जगह एंगल ए अगेन डी किसके बराबर है एंगल बी के तो डी की जगह भी एंगल बी कितना हो गया थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री तो ये हो गया हमारे पास टू टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी डैट इज थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री इसको तो हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर वन ठीक है कि एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री है तो हमारी जो ए डी लाइन है वो किसके पैरेलल आ जाएगी बी सी के देखिए इस तरह से कि भाई दो लाइन हैं ठीक है वो इस तरह से एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही तो हमारा ट्रांसवर्सल तो हो गया यहाँ पे ए बी इन दोनों का सम कितना आ रहा है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री इट मीन्स ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरल होगी डी किसके पैरल हो जाएगी बी सी के इसका रीजन क्या लिखेंगे हम सम ऑफ एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180 डिग्री ठीक है चलिए फिर वापस अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आ चुका है ठीक है 360 डिग्री अच्छा एंगल ए को अपन लिख सकते हैं एंगल सी के बराबर एंगल बी को ऐसे ही रंग देना है एंगल सी को भी ऐसे ही रहने देना है और हमारा एंगल डी किसके बराबर है एंगल बी के एंगल बी 360 डिग्री तो ये हो गया टू टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल सी 360 डिग्री तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी अगेन 180 डिग्री हो गया तो देखिए ये एंगल बी प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री आ रहा है इट मींस जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी डी सी के ए बी इज पैरेलल टू डी सी इसका रीजन भी है ये सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री ठीक है सो ए बी इज पैरल टू डी सी ये तो हमने पैरल प्रूव कर दी दोनों लाइंस को कि ये दोनों क्या है ए बी इसके पैरल है और ए डी बी सी के पैरल है इक्वल भी प्रूव करना है ठीक है हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल भी है तो भाई अगर ए डी के पैरेलल होगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा सेम होगा ठीक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन सेम ठीक है तो भाई अगर हमारी ए डी बी सी के पैरेलल है इट मींस ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी के है ना और अगर पैरल है डीसी के इट मीनस एडी किसके बराबर हो जाएगी बी सी के एडी किसके बराबर हो जाएगी बीसी के तो देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरल आ रही है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं next, हम नेक्स्ट थोड़ा एट पॉइंट सिक्स से कह रही है द डायग्नल ऑफ अ पैरलोग्राम अदर हमें प्रूव करना है कि जो ये ओ ए है ना वो ओ सी के इक्वल है एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी है तो टू तो प्रूव में क्या है ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी क्या है हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देखिए पैडल को शॉर्ट फॉर्म में अपन पैडल लाइन्स लगाई और ग्राम भी लिख सकते हैं ठीक है अच्छा प्रूफ देख लीजिए इसका अगर अपन प्रूफ करें कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की क्या है कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से अपन क्या कह सकते हैं डैट ओ एक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी तो ट्रायंगल ले लीजिए ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी क्या-क्या इक्वल है सबसे पहले तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी रीजन क्या है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है क्रॉस के अंदर के एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं ठीक है फिर ये हमारा एंगल भी है एक तरह से ए अच्छा और क्या-क्या इक्वल है दोनों के अंदर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है Z के अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल तो एंगल कौन सा ओ ए बी ओ ए बी इक्वल होगा एंगल डी सी ओ या फिर ओ सी डी ये कैसे एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है अच्छा और क्या इक्वल है ये जो ए बी है ना ए बी ये सी के इक्वल है ए बी इक्वल्स टू डी सी ये भी साइड हो गई इसका रीजन क्या है डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो लिख दीजिए इन सी डी अपोजिट साइड्स आर इक्वल ठीक है देखिए लॉ कौन सा बन रहा है हमारे पास सबसे पहले तो, तो ये हो गई हमारे पास एस ठीक है ये ए और ये बी ए तो ए ए एस लॉ ऑफ कॉन्ग्रेंसी से बाय ए ए एस लॉ व्हाट वी कैन से डैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डी ठीक है अच्छा तो सी पी सी टी से अपन क्या कह सकते हैं फिर सी पी सी टी से हम कह सकते हैं डेट ओ एक्ल्स टू ओ सी है ना ये ओ एक्वल्स टू ओ सी एंड ओ इक्वल्स टू ओ डी ठीक है ओ इक्वल्स टू ओ डी तो यही तो अपने को प्रूव करना था कि डाइंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं

ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम ठीक है ए बी सी डी एक पैरलोग्राम है इसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए ठीक है तो भाई ये हमें इक्वल गिवन है चलिए फिर देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे प्रूफ इसका ट्रायंगल ले लेते ले हैं हम ट्रायंगल वही डी सी ओ या फिर ओ डी सी एंड ट्रा ओ ए बी क्या इक्वल है दोनों के अंदर सबसे पहले तो ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है तो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए है ना ओ इक्वल्स टू ओ सी और क्या इक्वल है ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है तो ओ डी इक्वल्स टू ओ बी ये क्या हो गई है? हमारी एस और ये भी एस और क्या इक्वल है दोनों के अंदर ये देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो एंगल कौन सा एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए तो ये हो गया हमारा ए तो लो कौन सा लग रहा है देखो ये हो गया एस ये ए और ये एस यहाँ पे भी एस ए एस ठीक है तो बाय एस ए एस लॉ वॉट वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा डी ओ सी डी ओ सी वो किसके कांग्रेंट है ट्राएंगल ए बी के अगर ये दोनों कांग्रेन है तो सी पी सी टी से अपन क्या कह सकते हैं सी पी सी टी से वी कैन से डैट एंगल डी सी ओ डी सी ओ किसके इक्वल होगा एंगल ओ ए बी तो ये कैसे एंगल्स हैं हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रूम क्या कहती है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगी हमारे पास डी सी के तो लाइंस क्या आ चुकी है पैरेलल आ चुकी है सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए डी is टू to BC. तो अपोजिट लाइन पैरल सो ए बी सी डी इज अ आगे बस में तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक थ्योरम्स पढ़ी है एक्सरसाइज एट पॉइंट वन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे और थोड़ा एट पॉइंट एट भी पढ़ेंगे होपफुली ये सभी थोड़ा आपको समझ में आ चुकी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर